आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मेरा नाम है वरदराज पुरोहित और आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज चैनल। आइए जानते हैं कुछ मुख्य खबरें। शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कई स्थानों पर पिपानी चिन्ह के कारण उनके उम्मीदवार हार गए। शरद पवार ने सोमवार को चुनाव आयोग से पिपानी चिन्ह को चुनाव चिन्हों की सूची से हटाने की मांग की है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की भी चेतावनी दी है। महाविकास अघाड़ी के खासदार निलेश लंके ने विश्वास जताया कि अघाड़ी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। शरद पवार गुट ने तुतारी वाजवणारे माणूस चिन्ह पर 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 8 सीटें जीती। सातारा लोकसभा क्षेत्र में उन्हें पिपानी चिन्ह वाले निर्दलीय उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिली और वे मामूली अंतर से हार गए। पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पिपानी चिन्ह को हटाने की मांग की है, अन्यथा वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रोक करेंगे। खासदार निलेश लंके ने मुख्यमंत्री शिंदे को पत्र लिखा है, जबकि सातारा में शशिकांत शिंदे को 45,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पिपानी चिन्ह वाले उम्मीदवार को 37,000 वोट मिले थे।